हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा, ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की एक और वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, चाहे वो असेसिंग इंजीनियरिंग हो और चाहे आपके वो केस बेस्ड स्टडी हो, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाई वन। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं बेटा एमसीक्यू वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एज शोन इन द फिगर। आपके पास एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के बेस पे हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो आपको एक बात पता होगी कि बेटा देखो, आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है वी आरएमएस या ई आई आरएमएस निकालने का, वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, जितना भी आपका जो आपका टाइम इंटरवल होता है, वी स्क्वायर डीटी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 टू टी डीटी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है बेसिक सा, इसे आप याद रखना। ये ई आरएमएस या आई आरएमएस निकालने का फॉर्मूला है। अगली बात पे आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे हमें जो इंटरवल गिवन है, हमारे पास जो इंटरवल है वो है बेटा यहाँ से देखो, 0 से लेके टी बाई टू और फिर टी बाई टू से लेके टी तक। ना आप देख रहे हैं, 0 से लेके टी बाई टू तक जो हमें गिवन है ऑलरेडी, जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा वी नोट है। कब है ये हमारी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू है जब 0 से लेके जो आपका टाइम है वो इक्वल टू 0 के है, या फिर 0 से लेके बड़ा है टी बाई टू तक। ना ये हमें ग्राफ से देख के पता लग रहा है इस वाली चीज में। दूसरी चीज, हमारे पास v की वैल्यू 0 है, ये कब है? जब इस वाले इंटरवल के बीच में, कि आपका जो t, यदि हम टाइम पीरियड t बाय 2 से लेके कितना लेते हैं, t तक लेते हैं, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, आपने यहाँ ये फॉर्मूला लगा दिया वी एम आर एम एस निकालने वाला। इसको देखो, टाइम इंटरवल ये पूरा टाइम है 0 टू t वाला, तो इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपने बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 टू t बाय 2, ये v स्क्वायर dt आ गया हमारे पास, प्लस टी बाई टू टू टी, ये आ गया हमारे पास वही वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वी कितना है बेटा? 0 हो जाएगा। फिलहाल लिख लेते हैं इसमें वी स्क्वायर डी टी, पूरे के नीचे आ गया इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू टी डी टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दो तो हमारे पास क्या होगा? देखो, वी स्क्वायर क्या है हमारा, वी की वैल्यू इस इंटरवल में कितनी है? वी नोट है। तो ये बन जाएगा बेटा वी नोट डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई टू, प्लस इंटीग्रेशन टी बाई टू से लेके टी तक। वी कितना है हमारे पास इस इंटरवल में? 0 है। डी टी डिवाइड में आ गया बेटा इसका पूरे का होल इंटरवल क्या हो जाएगा? टी। और इसका पूरे का क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ाओ फटाफट से इसको। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास वी नोट का स्क्वायर, तो बाहर ही आ गया ऐसी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो गया हमारे पास। ये यहाँ लिमिट्स लगा दो आप, 0 टू टी बाई टू, प्लस इसका तो पूरे का 0 हो गया, नीचे आपका टी है ही, इस पूरे का होल इंटीग्रेट होल जो है स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो वी आर एम एस का फॉर्मूला आया वो आ गया हमारे पास, वी नोट से स्क्वायर तो बाहर आ गया। यहाँ अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार हम अपर लिमिट डालते हैं, एक बार हम डालते हैं बेटा लोअर लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा आपके पास? टी बाई टू माइनस 0 डिवाइड में आ गया टी। सो ये आ गया हमारे पास वी रोट नोट रूट के अंदर टी बाई टू इंटू टी, ये कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा ये आ गया हमारे पास वी नोट डिवाइड में रूट टू। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांस रहता है, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन बेटा ये आई आर एम एस के लिए भी पूछ सकता है और आपका वी आर एम एस के लिए भी पूछ सकता है। यही सेम फॉर्मूला आप जो है आई आर एम एस में अप्लाई कर सकते हैं, बस केवल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर यह हो जाएगा 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी डिवाइड में आ गया 0 टू टी आई सिंपली डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे आपको वी गिवन है, आपको वोल्टेज में ये हमारे पास है 120 साइन ऑफ 100 पाई टी कोस ऑफ 100 पाई टी वोल्ट, ये हमें पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, आपको जो है पीक वोल्टेज बताना है इसका और फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो, पहले हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। तो यहाँ पे यदि हमें साइन ओमेगा टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम थोड़ा सा इसको ना एक काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 60 इंटू टू, ये बन गया बेटा साइन 100 पाई टी इंटू कोस ऑफ 100 पाई टी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया बेटा 2 साइन ए कोस बी, और 2 साइन ए कोस बी जो होता है, 2 साइन ए कोस बी ये होता है बेटा हमारा साइन 2 ए बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ना ये होता है बेटा 2 साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा,
थीटा हमारे पास कितना है, 100 पाई इंटू टी है। तो बेटा मेरे पास ये जो वी का एक्सप्रेशन आया वो आ गया 60 साइन 200 पाई टी। तो ये हमारी अब इक्वेशन बन गई जो वोल्टेज की ना, इसकी कंपेयर आप इससे कर दीजिए। तो हमारे पास जो पीक वोल्टेज आया उसकी वैल्यू आ गई 60 वोल्ट, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो ओमेगा है हमारा वो आ गया बेटा हमारे पास 200 पाई। हमें हमसे पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, देखो वोल्टेज तो हमारे पास 60 आ गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, दो ऑप्शन है अभी, ये भी है इसमें 60, इसमें भी 60 है ना। अभी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है बेटा हमारे पास 2 पाई इंटू न्यू, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये चला गया, तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 60 वोल्ट 100 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एन एसी सोर्स ऑफ इतने वोल्ट 50 हर्ट्स। आपको जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी है, 50 हर्ट्स है आपके पास, और आपका जो है वोल्टेज गिवन है, लेकिन ये कौन सा है, वी आर एम एस वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 200/√2। फाइंड द वोल्टेज आफ्टर टी इज इक्वल टू, आपके पास टाइम गिवन है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है बेटा 1/100 सेकंड के बाद आपको वोल्टेज बताना है। तो आपका वोल्टेज का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पहले तो वी नोट निकाल लेते हैं। देखो वी आर एम एस और वी नोट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वी आर एम एस जो होता है वो होता है वी नोट अपॉन में √2। यदि मेरे को वी नोट निकाल रहे हैं, दिस विल बी √2 टाइम्स हो जाएगा आपका वी आर एम एस। तो यहाँ पे वी आर एम एस हमें ऑलरेडी पता ही है 200/√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो पीक वोल्टेज है वो आ गया बच्चे कितना, 200। तो यहाँ 200 आ गया हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा हमारे पास 2 पाई इंटू न्यू होता है, 2 पाई न्यू इंटू टी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा साइन 2 पाई न्यू की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी कितनी, 50, और टाइम आपसे पूछा गया था 1/100 सेकंड पे, तो 1/100 यहाँ आ जाएगा, तो ये 50 × 200 ये कट गया पूरा। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 200 साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 पाई नहीं सॉरी साइन पाई, ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी बेटा, आपका टाइमिंग क्या है बेटा, 1/100 नहीं है, 1/600 है सॉरी। तो आपने यहाँ 1/600 डाल दिया, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन में 6 आएगा, ठीक है, ये तो कट गया यहाँ से, पाई अपॉन में 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब है साइन 30, और साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। तो ये आ गया 200 × 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। तो इसका आंसर कितना है, 100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखो आपको वोल्टेज गिवन है और बेटा आपको आई बी गिवन है ना, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, आपको पावर निकालनी है। तो अब एक बात देखो यहाँ फटाफट से क्वेश्चन में ढंग से, आपका जो वोल्टेज है बेटा वो है 150 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है हमारे पास, 150 टी है। तो इस वाले फॉर्मूले से तो हमारे पास ओमेगा निकल गया, ओमेगा कितना हमारा 150 है, और जो आपका पीक वोल्टेज है वो भी आपका कितना है बेटा, 150 है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास जो करंट है, करंट की वैल्यू है 150 साइन 150 टी प्लस π/3। देखो आपका यहाँ करंट क्या है, लीड कर रहा है ना, करंट जो है 150 जो यहाँ पे एंगल था उससे प्लस π/3 है। इसका मतलब आपका सर्किट कैसा है, सर्किट आपका कैपेसिटिव है, तो यहाँ पे जो फेज है आपका वो कितना है बेटा, π/3 है, ठीक है, ध्यान रखना सर। यदि आपका फेज π/3 है तो आपका जो बेसिक पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे ERMS IRMS cos of φ। यदि मैं यहाँ पे ERMS का मतलब होता है पीक वोल्टेज डाल देते हैं, ये बन गया E√2 E0/√2, और IRMS भी आपका हो जाएगा बेटा I0/√2 cos फाइव, cos हमारे पास आ गया है π/3। अब वैल्यू पुट अप कर दो, E0 आपके पास है ही, पीक वोल्टेज कितना है, 150 है, ठीक है बच्चा, डिवाइड बाई √2 × √2 हो जाएगा, I0 भी आपका 150 है, इंटू cos ऑफ π/3। cos π/3 कितना होता है, cos 60 होता है बेटा sin 30, मतलब 1/2। तो ये हो गया मेरे पास 150 × 150 / 2 × 1/2। तो आप देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 75, ये भी आपका 75, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5625 वोल्ट। तो बेटा इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आपके पास वोल्टेज गिवन है वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन गिवन है हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इट मींस क्या है कि आपका देखो यहाँ
जो है करंट जो है क्या है लैग बिहाइंड है, कितना लैग है पाई बाय टू। तो यहाँ पे जो फेज है वो कितना है बेटा पाई बाय टू है। आपसे पूछा क्या गया है पावर कंज्यूम इन द सर्किट ना, अब आप ध्यान रखना, देखो यहाँ पावर फेज कितना है पाई बाय टू है, तो बेटा ध्यान रखना एक बार कि केवल रेजिस्टिव सर्किट में ही पावर कंज्यूम होती है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में जो है पावर कितनी होती है जीरो होती है। यदि फेज डिफरेंस गिवन हो कि पाई बाय टू नहीं है तो आपकी पावर आएगी कुछ ना कुछ, अदरवाइज पावर जीरो होती है। आप इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, देखो इस वाले से ही, क्योंकि देखो आपका पीक वोल्टेज भी पता है आपको कितना है वी नोट है, पीक करंट भी पता है आई नोट है, लेकिन कोस की जो जो फेज है आपका वो कितना है पाई बाय टू है, और कोस पाई बाय टू कितना होता है 90 और कोस 90 जीरो होता है, तो इसलिए बेटा क्या होता है इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है एन आइडियल इंडक्टर इज इन टर्न पुट अप 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई ना, आपके पास जो है एक बार उसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी गई, दूसरी बार बेटा उसको 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज की सप्लाई दी गई ना, इस बार क्या काम करा उन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। तो आपको बताना है कि दोनों केसेस के अंदर जो करंट फ्लोइंग होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा डिफरेंट होगा जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा। आप एक बार देख लीजिए पहले पे क्या है बेटा ये इंडक्टर है ना, और इंडक्टर के अंदर जो एक्सेल होता है, एक्सेल आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब जो अपोजिशन इंडक्टर के अंदर होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई इंटू न्यू एल। यदि मैं यहाँ से करंट निकाल लूँ, करंट होता है बेटा आपके पास वी नोट अपॉन में अपोजिशन, एक्सेल हो जाएगा, तो ये बन गया वी नोट अपॉन में 2 पाई न्यू इंटू एल। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कैसे इनवर्सली ना, तो आप ऑब्जर्व करो देखो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर रखी है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों केसेज में जो है करंट आपका सेम रहेगा, तो करंट कैसा रहेगा बेटा डिफरेंट रहेगा और जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा कि करंट आपका कैसा रहेगा डिफरेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। देखो ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे कि जो एक्सएल है बेटा, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा आपको पता है 2 पाई न्यू इंटू एल होता है, तो इसका मतलब जो अपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है फ्रीक्वेंसी के है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहीं पे आपसे जो है कैपेसिटिव का ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना बेटा जो कैपेसिटर के अंदर अपोजिशन होता है जिसको एक्स सी से डिनोट करते हैं वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा आपका 2 पाई इंटू न्यू हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अपोजिशन है वो क्या है बेटा 1 अपॉन इनवर्सली है किस पे न्यू पे ना। तो यहाँ जो कैपेसिटर का ग्राफ आएगा यदि मैं इसे यहाँ एक्स सी कर दूँ, यहाँ पे हम न्यू कर दे, तो बेटा ग्राफ कैसे आएगा ऐसे आ जाएगा, ये कैपेसिटिव वाले सर्किट का है और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इंडक्टिव वाले सर्किट का है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है इन ए सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। आपका एक जो सर्किट है उसमें जो है करंट है वो लैग बिहाइंड है, करंट लैग बिहाइंड किस में होता है ध्यान रखना इंडक्टर के अंदर होता है, क्योंकि जो इंडक्टर के अंदर बेटा जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, लेकिन यदि कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर के अंदर जो बेटा करंट की इक्वेशन होती है वो होती है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो कैपेसिटर में क्या होता है करंट लीड करता है, लेकिन इंडक्टर के अंदर जो करंट है बेटा क्या होता है वो लैग बिहाइंड होता है, ध्यान रखना ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये सर्किट कैसा है, ये सर्किट जो है इंडक्टिव है, यहाँ पे जो है क्या है इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, तो आप देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टर में तो सेम फेज में होते हैं, कैपेसिटर में पाई बाय टू आगे होता है, आर एंड सी लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब पाई बाय टू फेज डिफरेंस रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो सेम है कैपेसिटर का पाई बाय टू है, दोनों का जो नेट आएगा वो कितना आएगा पाई बाय टू आगे आएगा, तो नेट आपका ओनली क्या बचा एल, तो इसका मतलब क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट है। अगले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आपके पास सर्किट कैसा है कैपेसिटिव है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल ना देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये मैंने आपको भी बताया था बेटा एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया इसे 2 पाई न्यू इनटू सी, तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स सी है वो इनवर्सली टू क्या है फ्रीक्वेंसी है, इसने क्या बोला फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, यदि बेटा इसने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी इसका मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा वो आपका हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आधा हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये मैं पहले बना चुका हूँ बेटा, ये एक्स सी है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे है इनवर्सली है ऐसे, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका एक्स सी क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चे ये इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है ये वाला सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सर्किट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व। मैक्सिमम पावर बेटा कब होती है? देखो आपको पता है कि जो पावर का बेसिक फॉर्मूला है वो होता है ई नोट आई नोट कोस फाई अपॉन में टू आता है, ठीक है। ये आपकी बेसिक फॉर्मूला होता है किसका? पावर का ना। अब आपको पता है कि बेटा देखो कोस फाई के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो मैक्सिमम ये पी वैल्यू कब आएगी? जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब आपका फेज डिफरेंस कितना हो? 0 डिग्री हो। क्योंकि आपका जो जीरो फेज होता है वो केवल और केवल किसमें होता है? रेजिस्टेंस वाले सर्किट में होता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट ना। क्योंकि फाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय टू होती है बेटा किसमें? इंडक्टर में और आपका कैपेसिटर के अंदर ना। इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर कितनी आती है? 0 आती है। तो मैक्सिमम पावर किसमें होती है? रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। लिखा है बेटा द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस इज सी इफ इज एक्स। आपके पास जो रिएक्टेंस गिवन है जिसे हम एक्स सी लिख रहे थे वो कितना है? इस बार एक्स है, ये हमें एक्स गिवन है। इस और आपको पता है एक्स सी क्या होता है? 1/ωc होता है। इफ बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस आर डबल। आपने जो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस को डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा आपका 2π/μ/c होता है। इस बार आपने डबल कराया दोनों को बेटा, फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी तो ये 2 μ हो गया, 2π तो ऑलरेडी है और सी भी आपका 2c हो गया ना। तो अपोजिशन क्या हो जाएगा? ये आपका 2 × 4, तो नीचे क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ना। इसका मतलब x की वैल्यू जो क्या हो जाएगी? x/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड कई बार बोर्ड में आया भी है और आपके पेपर में भी आ सकता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक सर्किट गिवन है, आपको बताना है कि वोल्ट मीटर में कितना वोल्ट होगा। मतलब आपको जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगा है पैरेलल में उसकी यूनिट बता रीडिंग बतानी है कि जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। अब आप एक बार ऑब्जर्व करो आपको गिवन क्या क्या है। आपके पास जो बेटा इंडक्टर की वोल्टेज गिवन है कितनी है? 100 वोल्ट। आपके पास कैपेसिटर की वोल्टेज गिवन है, ये भी आपकी 100 वोल्ट है, ठीक है। और आपका जो आपने मेन सोर्स लगा रखा है यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कितनी है? 100 हर्ट्स है। और आपके जो वोल्टेज है पीक वो भी कितना है हमारे पास? 200 है। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, आपको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर निकालना है, वीआर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? आपके पास फॉर्मूला है ही, हमारे पास एक फॉर्मूला था वी इजकल टू स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपका वोल्टेज इन रेजिस्टर है प्लस VL-VC का स्क्वायर। यहीं से हमारा एक वो आता है पोजिशन वाला फॉर्मूला जेड इजकल टू रूट के अंदर R² + XL - XC का होल स्क्वायर। इसका भी आगे कहीं इस्तेमाल होगा। जेड को बोलते हैं बेटा इम्पीडेंस, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अभी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आपके पास V कितना है बच्चे? V हमारे पास 200 गिवन है। वी आर जो हमें कैलकुलेट करना है, तो आपका जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है वो तो लिख लेते हैं डायरेक्ट VR² और VL और VC दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। ये कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर हटते ही यहाँ पे सिंपली VR बचा, VR² कितना आ गया? 200। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी यदि आपका VL और VC का वोल्टेज सेम हो तो जो आपका नेट सर्किट होता है वो कैसा होता है? रेजिस्टिव होता है। और जो उसका पीक वोल्टेज है, जो आप बैटरी में वोल्टेज दे रहे हैं ना, यहाँ से जो एसी सोर्स आपका वोल्टेज दे रहा है वो कितना रहेगा? जितना वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा वही आपका जो है पीक जो बैटरी से जा रहा है उतना होगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना है बच्चे? इसका आंसर 200 वोल्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 59। इन द सीरीज सर्किट LCR या RLC द क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा क्वालिटी फैक्टर जो है इस बार से टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन हो सकता है आ जाए ना, क्योंकि इसका क्वालिटेटिवली आइडिया है बस। केवल क्वालिटी फैक्टर होता है कि जो आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दिखाता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ना, कि आपका जो रेजोनेंस का ग्राफ होता है उसको शार्प करना है बेसिकली आपकी, कि जहां जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी पावर जो है मैक्सिमम आ जाए ना, और जहाँ आपका करंट मैक्सिमम होता है। तो क्वालिटी फैक्टर को निकालने का तरीका होता है हमारे पास कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर। ये ध्यान रखना, यहाँ जो ऊपर लिखा है मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या फिर कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर नीचे VR आ गया बेटा। तो VL क्या होता है? V होता है I × R। तो यहाँ मान लो आपका करंट है I नोट और अपोजिशन क्या होता है इंडक्टर में? XL होता है। नीचे ये आपका I0 × R हो गया, ये बच्चे कैंसिल आउट हो गया। जो क्वालिटी फैक्टर है वो आ गया बेटा हमारे पास XL/R, ठीक है। आगे चलते हैं, XL क्या होता है? एक्सएल होता है हमारा ω × L/R। यदि मैं ओमेगा की वैल्यू पुट अप करूं, ओमेगा होता है बेटा हमारे पास 1/√LC, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है।
यदि मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल दी 1/√LC इंटू एल अपॉन आर, इसे आप देखो एक रूट एल से ये एल कट जाएगा, तो हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आएगा 1/r तो नीचे ही है, स्क्वायर रूट के अंदर एक एल ऊपर आ गया कि नीचे आ गया, ठीक है बेटा। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर कैसे बढ़ाया जाएगा। देखो आप देख रहे हैं फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि यदि आपका क्यू बढ़ेगा, कब बढ़ेगा क्यू, यदि आप एल को बढ़ा दीजिए पहली बात तो क्यू, दूसरा केस कब बढ़ सकता है, सी को आप घटा दीजिए या फिर आप जो है आर को भी घटा दीजिए, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं इनमें से आप आंसर चेक कर लीजिए। यदि आपको एल, देखो डिक्रीजिंग एल तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए तब बढ़ेगा, इंक्रीजिंग सी ये भी गलत है, सी घटेगा, डिक्रीजिंग आर ये ऑप्शन सही है। देखो क्योंकि आपका आर घटेगा तभी आपका बेटा क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज एलसीआर कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पावर लॉस विल बी अकर्स प्रोवाइडेड। आपको बताया कि मैक्सिमम पावर लॉस जो है कब होगा, यदि आपका किसी एसी सोर्स के अंदर जो है क्या होगा, आपने क्या लगा रखा है, मतलब वो बेसिकली जो है आपको एलसीआर सीरीज सर्किट लगा रखा है आपने ना, तो आपको बताना है मैक्सिमम लॉस कब होता है। भाई आपको पता है बेटा मैक्सिमम पावर कहाँ होती है, रेजिस्टिव सर्किट में होती है, और सर्किट रेजिस्टिव कब होता है, जब आपका फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है ना, इसका मतलब करंट और जो वोल्टेज का फेज है वो दोनों एक ही फेज में होने चाहिए ना, तभी जाके आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 65। टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन ए सर्किट एलसीआर, आपको मैंने बताया था बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, जो क्या होता है 1/√LC। अब हमें फ्रीक्वेंसी को घटाना है तो विद सीरीज विद ए इंडक्टर जनरेटर ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है इसका ना, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये एल और सी पे डिपेंडेंट होती है बस, केवल ध्यान रखना, तो हमें एल और सी में ही चेंज करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी घटे, इसका मतलब मेरे को कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या मेरे को इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब देखो कैपेसिटेंस कब बढ़ता है, यदि मैं एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर देता हूँ तो, क्योंकि आपने देखा होगा यदि कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया जाए तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम यदि डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दे तो इजिली बढ़ जाएगा, आप देख लो इसमें डाइलेक्ट्रिक तो कहीं नहीं है, डाइलेक्ट्रिक इन द सर्किट शुड बी रिड्यूस ना, यदि हमने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ऑप्शन ये हो सकता है आपका कौन सा, डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव ना, क्योंकि आपने जो कैपेसिटेंस वो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है उसके अंदर ना, यदि आप रिमूव कर देते हैं, आपने यहाँ से निकाल दिया है तो बेटा ये तो उल्टा हो गया फिर ना, हमें डालना था कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन द पैरेलल, ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि आपने जो है पैरेलल में कैपेसिटेंस डाल दिया है, और पैरेलल में क्या होता है बेटा कैपेसिटेंस जो है ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट ना, तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यदि आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ते ही जो आपका ओमेगा है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ लिखा है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है बेटा 20 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है बच्चा कितना है 20 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है बेटा हमारे पास कितना 40 वोल्ट ना, ये हमें गिवन है। आपसे पूछा गया है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट इन द सर्किट गिवन, देखो आपको साफ दिख रहा है बेटा यहाँ पे क्या है, VL और VC बराबर है, VL और VC बराबर, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पीक रहेगा आपका जो नेट वोल्टेज बैटरी सप्लाई कर रही है वो किसके बराबर हो जाएगा, VR के, इसका मतलब आपका सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव सर्किट है, और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है जो आपका फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है, दोनों चीजें आपकी सेम फेज में होती है, करंट और वोल्टेज आपके कैसे रहते हैं सेम फेज में, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 0 डिग्री, ठीक है बेटा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, इसमें क्या बोल रहे हैं, अब व्हेन ए सर्किट व्हेन एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपके पास इक्वेशन गिवन है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 100 t, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा कितना है बेटा 100 है, ठीक है। अगली बात पे आते हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय पाई बाय 4, आपके पास पाई भी गिवन है, आपके पास कितना है पाई अपॉन 4 है। As shown in the figure, if the circuit consisting possibly only RC, RL or LC in the series, मतलब आपके पास जो है सर्किट है वो केवल RC हो सकता है, RL हो सकता है और LC हो सकता है, find the possible value, आपके पास चार ऑप्शन गिवन है कि कौन सा होगा ये बताना है। तो पहली बात देखो, हम यदि डायग्राम से समझे, आप देख रहे हैं डायग्राम में देखो करंट का ग्राफ ऊपर है, करंट जो है लीड कर रहा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज के,
तो बेटा करंट लीड कहाँ करता है? करंट लीड करता है कैपेसिटर के अंदर। इसका मतलब सर्किट कैसा होगा आपका? सर्किट होगा ROC, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, सी तो हट गया ऑप्शन, यहाँ से एल वाला जो है डी भी ऑप्शन हट गया ना। तो दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, ए और बी, ठीक है, जिसमें आर और सी सर्किट है। अब हमें पता लग गया कि सर्किट कैसा है आपका, कैपेसिटिव है, आर और सी लगे हैं। तो यदि मैं यहाँ से फाइव, हमें गिवन है फेज डिफरेंस, तो टेन फाइव वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। टेन फाइव क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा एक्ससी माइनस एक्स एल, सॉरी एक्स एल माइनस एक्ससी, डिवाइड में क्या आता है आपके पास आर आता है, ठीक। या फिर मैं कैपेसिटी सर्किट है तो एक्ससी माइनस एक्सएल लिख सकता हूँ, एल तो इसमें है ही नहीं, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास एक्ससी अपॉन में आर। ये हमारे पास टेन फाइव आ गया, और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी, वो मैंने पीछे बताया था। तो ये हो गया वन अपॉन ओमेगा सी आर। अब आप यहाँ पे फटाफट से वैल्यू पुटअप करो, यदि मैं यहाँ से सी इंटू आर निकाल लेता हूँ, तो बेटा ये बन गया है वन अपॉन ओमेगा टेन फाइव, नीचे आ जाएगा। आप वैल्यू पुट अप कर दो, ओमेगा की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन है 100, और टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर कितना होता है 45 डिग्री, तो वन अपॉन 100, और टेन पाई बाई फोर पे वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन होती है 45 पे ना। तो बेटा सी आर की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन 100 ना। अब आप इन चारों में से ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में से चेक करो कि यदि सी और आर का मल्टीप्लाई वन अपॉन 100 आ जाए, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं आर की वैल्यू पहले देखो 1 किलो ओम ले लेता हूँ, जो कितनी है हमारे पास 10 की पावर 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 10 माइक्रो फेरेड है, 10 की पावर -6 है। दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, तो ये होगा 10 की पावर 4, तो आपके पास क्या बचा 10 की पावर -2। इसका मतलब आर और सी का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1 अपॉन 100। तो यही तो आपको चाहिए था, इसका मतलब पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है इन द सर्किट एल आर सी आर कनेक्टेड इन द सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द वोल्टेज लीड्स बाय द 45 डिग्री। आपके पास यहाँ पे जो है फाई कितना है, 45 डिग्री है, वोल्टेज लीड कर रहा है, ध्यान रखना। इसका सर्किट कैसा है, सॉरी वोल्टेज लीड, करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सर्किट आपका कैपेसिटिव है, तो वैल्यू ऑफ सी बताना है, ठीक है। तो आप देख लो फटाफट से, यदि आपका सर्किट कैपेसिटिव है और आप टेन फाइव का वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है, फेज डिफरेंस टेन फाइव होता है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट है, तो दिस विल बी एक्ससी माइनस एक्सएल, डिवाइड में आ जाएगा बेटा आर हमारे पास आ गया, और टेन फाइव कितना, 10 45, दिस विल बी 1 हो जाएगा। तो एक्ससी माइनस एक्सएल इस गल तो हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। तो यदि मैं यहाँ से एक्ससी निकाल लूँ, एक्ससी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, आर में ऐड कर दो इसको, आर प्लस एक्सएल, और एक्सएल वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल होता है प्लस में आर, ये हमारे पास आ गया। एक्ससी की वैल्यू पुट अप कर दो, 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू आ गया बेटा ओमेगा एल प्लस आर। यहाँ से यदि मैं सी निकाल लूँ, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा एल प्लस आर, और ओमेगा की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे सीधा सीधा। यदि आप ओमेगा पुट अप कर देंगे तो बेटा सी आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू 2 पाई न्यू एल प्लस आर। तो आपका आंसर चेक कर लीजिए कौन सा है, 2 पाई न्यू इंटू 2 पाई न्यू एल प्लस आर, बेटा डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एट द रेजोनेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी द इंपीडेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इज मिनिमम, देखो क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब आपका एक्सएल जो है एक्ससी के बराबर हो जाए, तो जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास, ये आती है बेटा ओमेगा इज इक्वल टू रूट एल सी। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हमारा जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्या होता है, इम्पीडेंस एल सी आर के अंदर, जिसकी वैल्यू होती है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर उठना। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो जो आपका इम्पीडेंस है वो कितना बचता है, केवल आर बचता है, और इस इम्पीडेंस पे जो करंट है आपका वो कैसा आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। और बेटा इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यदि आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो अपोजिशन कैसा रहता है, मिनिमम रहता है, और करंट क्या रहता है बच्चा, मैक्सिमम रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपोजिशन क्या पूछ रहा है वो, इम्पीडेंस कैसा रहेगा, मिनिमम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द बेटर ट्यूनिंग। बेटर ट्यूनिंग का मतलब है कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर है, जो आपकी शार्पनेस है, वो अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था बेटा, ये होता है 1 अपॉन R√L/C। तो भाई क्वालिटी फैक्टर ज्यादा कम होगा, आपको बताया क्योंकि वैल्यू ज्यादा आएगी कम, यदि आपका आर कम होना चाहिए, पहली बात तो ये, दूसरा एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और बेटा तीसरी बात सी भी आपका ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। अब आप इन ऑप्शन में से देख लीजिए फटाफट से, जिसमें आर सबसे कम होना चाहिए, आर की वैल्यू 20 25 15, इसका मतलब 15 वाला ऑप्शन हो सकता है,
जहाँ पे एल सबसे ज्यादा हो, देखो एल की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी में है। कि दूसरी बात की तीसरी बात जो है आपका सी बी कितना होना चाहिए, सी बी सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सी बी कितना है आपका 30 है आपका, ठीक है। सी जो है सॉरी सी कम होना चाहिए सबसे ना, सी कम होगा तभी तो क्वालिटी सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है बेटा। तो सी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका आंसर क्या है बेटा, सी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे लिखा है सी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, ओमेगा गिवन है एज द मैक्सिमम करंट फ्लो इन थ्रोइट। देखो मैक्सिमम करंट कब होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, ओमेगा, जो आपका क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, इस वाले करंट वैल्यू पे आपका जो करंट है वो मैक्सिमम होता है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन ना, ठीक है। जहाँ पे आपका इम्पीडेंस मिनिमम होता है लेकिन करंट आपका क्या रहता है बेटा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगली बात पे देखो क्या लिखा है, और आगे आपको इंडक्टेंस बताना है तो आपको एल की वैल्यू बतानी है, तो आपको तो निकल सकता है आसानी से, ये ओमेगा पता है बेटा, सी पता है, सीधा एल निकाल लो दोनों तरफ का, स्क्वायर कर दो आप, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/LC, तो बेटा एल इक्वल टू हो जाएगा 1/ωs² × c। तो यहाँ से 1/ω की वैल्यू हमें गिवन ही है, कितनी है 1000 × 1000 आपके पास ये हो गया, इंटू सी की वैल्यू बेटा 10 μF, 10^-6 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, ये तो पूरा पूरा कट गया यहाँ से, तो ये बेटा क्या आ गया 1/10 आ गया हमारे पास। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 10^-1। यहाँ देखो 10^-1 में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यदि मैं इसे मिली में लिखूँ तो दिस विल बी 100 mH, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 100 mH इसका करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG एंड इंटरनल रिएक्टेंस। आपके पास यहाँ रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, XG है, मतलब जो करंट को अपोज करता है, ठीक है बेटा। इट इज यूज टू सप्लाई पावर टू पैसिव लोड कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस RG एंड ए रिएक्टेंस। इस बार हमारा XL जो है, ये भी रिएक्टेंस है हमारे पास ना, फॉर द मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर। देखो मैक्सिमम पावर कब होती है, जब आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए ना, मतलब जो आपका नेट है पूरा अपोजिशन जो रिएक्टेंस है वो दोनों वैनिश करने चाहिए, ध्यान रखना। मैक्सिमम पावर कब होगी, जब टोटल आपका जो रिएक्टेंस है, टोटल रिएक्टेंस मस्ट बी वैनिश ना, कट जाना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका जो है पावर कैसी रहेगी, मैक्सिमम, क्योंकि करंट आपका मैक्सिमम तभी आएगा, अपोजिशन आपका मिनिमम तभी आएगा। तो बेटा यदि मैं इन दोनों को जो है XL + XG आपका कितना होना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना, इसका मतलब XL जो है वो -XG के बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी। तो XL जो है किसके बराबर होना चाहिए, -XG, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है फॉर एन आइडियल स्टेप। अब आइडियल लिखा है, आइडियल का मतलब होता है कि जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है, दोनों जो है बेटा वो दोनों जो है सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि देखा जाए तो वैसे इम्पोसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं आइडियल ट्रांसफॉर्मर फॉर्म होना, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज कॉन्स्टेंट फॉर द बोथ, आपको पता है कि पावर सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर इन द कॉइल ना, तभी जाके आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, क्वांटिटी दैट रिमेंस अनचेंज इन ए ट्रांसफॉर्मर। देखो करंट जो है केवल करंट भी चेंज होता है भाई, वोल्टेज भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अगला क्वेश्चन लिखा है, कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट। ये आपने इसका पढ़ रखा होगा, उसमें जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर 4 से 5 तरह के एनर्जी लॉस होते हैं। ये मैंने अपनी जो वीडियो डाल रखी है, एक ओल्ड डिवाइसेज इन द 12th ना, उसके नाम से एक वीडियो है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। जितने भी आपके 12th फिजिक्स के अंदर बेटा सारे डिवाइसेज हैं, वो मैंने सारे वहां पे 1 by 1 समझा रखे हैं अच्छे से। और आपको पता हो कि 12th फिजिक्स में, 12th के पेपर में बोर्ड के 2 से 3 डिवाइसेज हर साल आते हैं पेपर में ना, तो आप यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 डिवाइसेज वाले जो मार्क्स हैं, 7 से 8 मार्क्स आपके, वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जाके आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट ए 150 W 24 V लैंप फ्रॉम ए 240 V AC मेंस ना। इट्स मेन करंट इज 0.7 A। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, देखो बेटा एफिशिएंसी निकालना है, पहले आप ये देख लो कि इनपुट और आउटपुट पावर कितनी है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है पावर पे डिपेंडेंट होती है। यदि मैं इनपुट पावर निकालूंगा तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, आपका इनपुट कितना दे रहे हैं आप, 240 V की मेंस दे रहे हैं ना, 240 × जो आपका करंट है, करंट कितना है 0.7, तो बेटा इनपुट आपका आ गया 168 W।
क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू I। तो आपका जो इनपुट वोल्टेज था, जो आपका करंट था, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनपुट पावर आ गया। यदि मैं आउटपुट पावर निकालूं, अब किसको दे रहे हैं आप, एक बल्ब को दे रहे हैं जिसकी पावर कितनी है, 140 वोल्ट है, ये आपको ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है। तो आपके पास एफिशिएंसी चाहिए, तो बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू जो भी आपकी आउटपुट पावर है डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 की परसेंटेज में चाहिए, तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, आउटपुट कितने बेटा 140 डिवाइड बाय 168 इनटू 100, ये इसे आप जो है जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आनी चाहिए 83.3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83.3% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है 50 and 1500 टर्न्स ना, मतलब आपके पास जो प्राइमरी में टर्न्स गिवन है बच्चे वो कितनी है, 50 है, और जो आपकी सेकेंडरी में टर्न्स है बेटा वो कितनी है, 1500 है। NS और NP की वैल्यू आपको पता है, ठीक है बेटा। आपके पास क्या गिवन है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल, आपके पास प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू पता है, फाइव नोट प्लस 4T। तो यहाँ से आप इसे डिफरेंशिएट मार दो, आपके पास वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि d∅dt क्या होता है आपका, वोल्टेज आ जाता है, तो ये प्राइमरी का वोल्टेज आएगा। इसे आप डिफरेंशिएट मारेंगे तो देखो, फाइव नोट तो कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, और 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो है प्राइमरी का वोल्टेज मिल गया कितना है, 4 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी, इसका मतलब आपको सेकेंडरी का वोल्टेज पूछा है। तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर में एक रिलेशन होता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे इसके सारे न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं। ES by EP is equal to होता है बेटा NS by NP, और is equal to ये भी होता है IP by IS, which is equal to K, और K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो फटाफट से, देखो हम इससे काम बन जाएगा हमारा। ES की वैल्यू हमें निकालनी है, EP यहाँ आ गया बेटा NS by NP, तो हमारे पास जो ES है वो क्या हो जाएगा, EP into NS by NP। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सारी सारी, ES की वैल्यू 4 आई है, NS की वैल्यू बेटा कितनी है, 1500 डिवाइड बाय 50, ये कैंसिल आउट हुआ, 5 3 15 30, ये आ गया बेटा 120 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना है, 120 वोल्ट है। तो बच्चे ये थे हमारे MCQs, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आपके बोर्ड में आ सकते हैं। अभी चलते हैं बेटा हमारे SSN रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। तो पहला SSN रीजनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो ये बोल रहे हैं कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। ये तो गलत बात है, क्योंकि आपका जो है आपको पता है टाइम वेरिंग करंट है, यदि टाइम वेरिंग करंट है तो वो EMF जनरेट करता है, EMF जनरेट करता है तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, में चेंज आएगा, EMF आएगा, इसका मतलब वो जो है करंट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये तो बात सही है भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट डज नॉट वेरी विद टाइम, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो AC होती है हमारी, उसकी जो करंट की इक्वेशन है या फिर जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो बेसिकली टाइम वेरिंग ही होती है, क्योंकि I होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा E होता है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो ये तो गलत है और वो सही है। तो यदि आपका SSN ठीक हो, रीजन गलत हो, तो हम बोलते हैं उसे वो क्या है, आपका सी ऑप्शन है। अगला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, AC इज मोर डेंजरस देन DC ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। देखो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि बेटा DC ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जो DC में आते हैं ना वोल्टेज, और जो AC का पीक होता है, वो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। सपोज करो मैंने आपसे बोला 220 वोल्ट की DC है, तो DC का मतलब है कि आपकी ये फ्रीक्वेंटली नहीं है, ये टाइम के साथ ना 220 वोल्ट ही चल रहा है आपका ना। लेकिन यदि मैं 220 वोल्ट की AC ले लूं, तो बेटा 220 वोल्ट AC का जो पीक वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 310 वोल्ट आता है। क्योंकि यदि आप यहां से निकाल ले कि ये होता है आपका VRMS इंटू √2 टाइम्स हो जाता है, तो जो आपके पास गिवन है दैट इज द RMS वैल्यू, 220 इंटू √2, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 310 वोल्ट आता है, जो कि आपके क्या है, फ्रीक्वेंटली टाइम वेरिंग है। तो इसलिए क्या है, देखो 310 वोल्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू 220 के ना, तो इसलिए क्या है बेटा, AC ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू DC के। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में अगले लिखा है, इन एन इंडक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC, ठीक है, आपके पास L और R जुड़े हुए हैं। इन दिस सर्किट द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय पाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि देखो वोल्टेज आपका क्या होता है, लैग बिहाइंड करता है, सॉरी करंट आपका लैग बिहाइंड करेगा ना इसमें,
क्योंकि आपका जो करंट है, आपको जानते हैं कि देखो जो इंडक्टर यदि कहीं लगा हुआ हो तो करंट क्या होता है बेटा, लैग बिहाइंड होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन दिस सर्किट द करंट एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ठीक है, देखो क्योंकि जो है करंट जो है लैग बिहाइंड है पोटेंशियल से ना, कितना है पाई बाय टू, तो ये लाइन तो सही है भाई। इन आर एल आर सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। देखो दोनों बातें सही लग रही है मेरे को तो, क्योंकि क्या है कि देखो बेटा वोल्टेज लीड कर रहा है या फिर करंट लैग बिहाइंड है, बात तो एक ही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैपेसिटर्स सर्व एज ब्लॉक फॉर डीसी, ऑफर एन इजी पाथ फॉर द एसी। ये बोल रहा है कि जो कैपेसिटर होता है वो जो है डीसी को ब्लॉक करता है लेकिन एसी को पास कर देता है, क्यों? देखो क्या ये बात सही है, समझ लेते हैं। देखो फटाफट, हमें पता है कि बेटा जो कैपेसिटिव अपोजिशन होता है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है 1/ωC। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एक्स सी है वो क्या है बेटा, 1/ωC है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से यदि मैं फ्रीक्वेंसी डालू, फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे, इसे मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो एक्स सी की वैल्यू आगे बेटा हमारे पास 1/2π ना। यदि मैं 4 dB वाले केस में देखूँ, देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, क्योंकि डीसी जो है वो टाइम वेरिंग होती नहीं है, केवल एसी होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब एक्स सी क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी हो गया। और जब अपोजिशन ही इन्फिनिटी है, इसका मतलब करंट तो पास ही नहीं होने देगा वो, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है। लेकिन यदि मैं इन केस ऑफ एसी देखा जाए, इन एसी, एसी में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है 50 Hz, जो आती है आपकी इंडिया में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो सम 1/ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सी आपका मिनिमम आ जाएगा। यदि आपका अपोजिशन ही मिनिमम है तो करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम करंट पास होगा आपका। ठीक है, इसका मतलब जो जो कैपेसिटर है वो एसी को अलाउ करता है, तो ये बात तो ठीक है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, ये 2 मार्क्स में पेपर में वैसे ही पूछ लेता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है बेटा, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। यही चीज उल्टी होती है इंडक्टर वाले केस में, इंडक्टर जो है डीसी को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक करता है, ध्यान रखना। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बात तो सही है भाई, क्योंकि इसी के हिसाब से तो आपका ऐसा होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या है बेटा, इसका ए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है द ओनली एलिमेंट दैट डिसिपेटेड एनर्जी इन द सर्किट इज द रेजिस्टिव एलिमेंट। ये बात तो सही है जो मैंने आपको बताया था पीछे अभी, क्योंकि बेटा क्या होता है कि जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है, उन दोनों में पावर कंजप्शन 0 आता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, जो फेज डिफरेंस है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, पाई बाय टू का, इसलिए वहां पे पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो केवल आपका रेजिस्टिव सर्किट में ही पावर कितनी होती है, कुछ ना कुछ जो है डिसिपेटेड होती है। ये बात तो सही है। रीजन क्या लिखा है बेटा, देयर आर नो पावर लॉस एसोसिएटेड विद द प्योर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये बात भी ठीक है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपका जो पाई बाय टू का कितना रहता है, फेज डिफरेंस पाई बाय टू होता है, एक में प्लस और एक में माइनस, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। यहाँ लिखा है द पावर इन एसी सर्किट इज मिनिमम इफ द सर्किट हैज ओनली ए रेजिस्टर। ये बात तो गलत है, क्योंकि भाई सर्किट में रेजिस्टिव होता है तो इसका मतलब वो पावर कैसी आती है, मैक्सिमम पावर होती है वहां पे, तो ये तो लाइन ही गलत हो गई है। यदि असम्पशन ही गलत है, इसका मतलब बेटा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है रेजोनेंस इज एक्सिबाइट बाय द सर्किट ओनली इफ द बोथ एल एंड सी आर प्रेजेंट इन द सर्किट। ये बात सही है। रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, यदि आपके पास जो है सर्किट के अंदर एल और सी हो, क्योंकि आर से हमें कोई मतलब नहीं होता, बेटा रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो आती है 1/√LC। तो बेटा जो हमारा ओमेगा होता है, ओमेगा होता है हमारे पास 1/√LC। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से यहाँ पे, क्योंकि जो रेजोनेंस कंडीशन होती है आपकी, वो होती है बेटा XL, जब आपका XC के बराबर हो जाएगा तब जाके आपके करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम आती है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इस पे जाके जो आपका अपोजिशन है वो आपका मिनिमम आता है, जो कि आपका आर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, देखो रेजोनेंस कंडीशन तब होती है जब आपका एल और सी ही होने चाहिए बस ना। और दूसरी बात क्या है, एल और सी जो है, एल में आपको पता है करंट जो है वो क्या करता है, लैग बिहाइंड होता है पाई बाय टू से, लेकिन आपका जो कैपेसिटेंस है उसके अंदर जो करंट है वो क्या होता है, लीड करता है पाई बाय टू से। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए आपका जो रेजोनेंस कंडीशन है वो अकर्स होती है। तो पहली बात तो ये सही लिखी हुई है, केवल एल और सी ही प्रेजेंट होते हैं रेजोनेंस में ना। दूसरी बात कि ओनली देन द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसिल ईच अदर बोथ बीइंग आउट ऑफ फेज। ये भी बात सही है, इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
अगले क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक लैंप कनेक्टेड इन द सीरीज विद द वेरिएबल कैपेसिटर। आपके पास एक कैपेसिटर है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। मान लो ये आपका लैंप लगा, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है विद द एसी सोर्स। ये आपका एसी सोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया है। इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन कैपेसिटेंस। ना आपको पता है कि आपने यहाँ वेरिएबल कैपेसिटर लगा रखा है, यदि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो आपका जो है ये बोल रहा है कि ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अब ये कब, जब आप कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे तो आपको पता है कि देखो बेटा जो एक्ससी होता है कैपेसिटेंस के अंदर, वो होता है 1/ωc। तो जो आपका पोजीशन है वो इन्वर्सली टू किस पे है, कैपेसिटेंस पे। यदि आप सी बढ़ाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। यदि बेटा एक्ससी घट गया इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन होता है, और करंट कैसा है, इन्वर्सली टू है एक्ससी के ऊपर। एक्ससी घटा है तो करंट बढ़ेगा, इसका मतलब ये तो रिजल्ट भाई असम्पशन तो सही है। रीजन में क्या लिखा है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटेंस ऑफ, ये भी साथ सही है क्योंकि सी बढ़ेगा तभी तो आपका एक्स ही घटेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सेशन देखो, ये ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। ये तो गलत बात है क्योंकि भाई जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे नहीं, ये बात सही है बेटा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है एसी पे ही काम करता है ना। इसमें लिखा है कान नॉट कांट वर्क ऑन डीसी ना, क्योंकि डीसी में क्या होता है टाइम के साथ जो है वोल्टेज चेंज नहीं होता। यदि टाइम के साथ वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरे कॉइल के अंदर जो है फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो भाई ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा ना, क्योंकि भाई जो ट्रांसफार्मर है बेटा वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ना। तो ये बात तो सही है, एसेशन तो सही है। दूसरा क्या लिखा है, डीसी चेंजेस नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन ना, ये बात भी ठीक है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये बात सही लिखी हुई है, ठीक है। 156 देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीज द करंट। क्या ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट जो है V इक्वल टू IR होता है, तो करंट भी आपका बढ़ जाता है। तो ये तो सही नहीं, वोल्टेज घट जाता है लेकिन करंट इन्वर्सली होता है तो करंट जो है बढ़ जाता है, ये बात ठीक है बेटा। स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को घटाएगा और करंट को जो है बढ़ाएगा, ओके, तो ये तो सही है इसका असर्शन। तो रीजन में क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मर ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये भी बात सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका इससे कोई लिंकअप नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है बेटा, बी है, क्योंकि तो दोनों चीजें सही है लेकिन इसका कोई दूसरे से लिंकअप नहीं है। अगले सेशन में क्या बोल रहा है, अ गिवन ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ये बात सही है क्योंकि स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो द आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये बात सही है क्योंकि जो आपका आउटपुट का रेशियो होता है ES बाई EP, वो क्या आता है NS बाई NP होता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो ये तो फुल्ली फुल्ली इसी पे डिपेंड होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे ऐसे ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ना। अभी चलते हैं हम केस बेस स्टडी के ऊपर। तो बेटा देखो कि पहली केस बेस स्टडी है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी कैपेसिटर से रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब बेसिकली अपोजिशन ना, अपोजिशन चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, अपोजिशन की यूनिट क्या आती है, ओम ही आती है। तो इसका आंसर क्या है, ओम, ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखा है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी हमें बताना है ऑफ ए कैपेसिटर। आपके पास सी की वैल्यू पता है बेटा 5 माइक्रो फेरड है हमारे पास, ठीक है, फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 10 की पावर 6 हर्ट्ज है आपके पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको एक्ससी निकालना है, तो एक्ससी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्ससी क्या होता है आपको पता है, 1/ωc होता है। तो ओमेगा आपके पास हो गया 2π(υc), आप सारी वैल्यू पुट अप करो, 2 × π/3.14 इंटू न्यू की वैल्यू आपके पास 10 की पावर 6 है और सी की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -6, ये तो कैंसिल आउट हुआ। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 तो ये आ गया 31.4, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा 0.032, ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेना अपने आप से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है, इन ए कैपेसिटिव सर्किट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट इज ऑफर्ड बाई। देखो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो अपोजिशन होता है वो जो है वो बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस टू द फ्लो, रेजिस्टेंस ऑफर कौन करता है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर या फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मल सी बात है भाई, देखो कैपेसिटिव सर्किट है तो भाई कैपेसिटर ही अपोज करेगा, इंडक्टर रेजिस्टर कहाँ से आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा। आगे लिखा है, इन ए कैपेसिटिव सर्किट बाई वॉट वैल्यू ऑफ फेज एंगल डज द ऑल्टरनेटिंग करंट लीड द ईएमएफ। ये आपको पता है करंट जो है क्या होता है बेटा, लीड करता है π/2 से ना, यदि कैपेसिटिव है तो, यदि इंडक्टर है तो कैसे करता है, π/2 से लैग बिहाइंड होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर
इज जॉइंड टू 220 वोल्ट, 200 वोल्ट ना, आपके पास वोल्टेज गिवन है 50 हर्ट्स, ऑल्टरनेटिंग आपकी जो है या फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा हमारे पास 50 हर्ट्स है, और आपके पास जो वोल्टेज है ई हमारा वो कितना है 200 वोल्ट है आपके पास, ठीक है। आपसे पूछा गया आरएमएस करंट बताना है आपको ना, तो भाई आरएमएस करंट या आपके पास जो वोल्टेज करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है बेटा वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन, अपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पुट अप करो, पहले तो वोल्टेज कितना है हमारे पास ई को रख दो, एक्स ही पहले चेंज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, 2π ν/c हो जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया बेटा 2π ν/c ई हमारे पास, ये आपका करंट आ गया। यदि हमें वोल्टेज को, हमें कौन सा करंट निकालना है, हमें जो है बेटा आरएमएस करंट निकालना है, तो जो आई आरएमएस करंट होता है वो क्या होता है आपका, ये जो आपका हमारा निकल रहा है वो आई आरएमएस करंट ही है, क्योंकि जो आपका ये वोल्टेज है वो क्या है ई आरएमएस है हमारे पास ना। सारी वैल्यू पुट अप कर दो, 2 × 3.14 × ν की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास 50, और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है ही, सी हमारे पास कितना है 1 μF का है, 10⁻⁶ हो गया, और ई की वैल्यू बेटा हमारे पास 200, ठीक है। तो हमारे पास जो आई आर एम एस आ गया उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आएगा 6.28 × 10⁻²⁰ एम्पियर, ठीक है। अगली केस बेस स्टडी देखो, ये सेकंड केस बेस स्टडी है हमारी, ये भी जो है किससे रिलेटेड है, ये एलसीआर सर्किट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू निकालते हैं वो एक्स सी होता है हमारे पास ना, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले आप एक बार देख लीजिए, रेजिस्टेंस गिवन है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 12 ओम है, आपके पास जो कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस यहाँ एक्स सी की वैल्यू हमें पता होती है 14 ओम है हमारे पास, ठीक है। एंड ए प्रोड्यूस एंड ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल की वैल्यू भी बेटा पता है हमें 0.1 हेनरी है, ठीक है, ये हमारे पास है। आपको निकालना क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बताना है आपके पास, तो बेटा एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल होता है, एल तो हमारे पास है 0.1 है, और ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे देखो गिवन है ये आपके 50 हर्ट्स आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो 50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π × 50, इसे मल्टीप्लाई करो आप, ये जीरो से ये हट गया, तो 5 × 10 × 10π आपके पास आंसर आ जाएगा, 10π को आप 10 × π की वैल्यू होती है 3.14, तो बेटा ये आ गया 31.4 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज, इम्पीडेंस की वैल्यू बतानी है इस बार में, मतलब जो बेसिकली पूरा अपोजिशन है, अपोजिशन क्या होता है एलसीआर के अंदर जेड होता है, उसकी वैल्यू होती है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आप आर की वैल्यू पुट अप कर दो, आर हमें गिवन है बेटा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल हम निकाल चुके हैं 31.4 माइनस एक्ससी की वैल्यू आपकी 14 गिवन है, इसका स्क्वायर करो, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये वैल्यू आ गया आपके पास 21.13, तो इसका आप एग्जैक्टली आंसर लगा दीजिए 21.13। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, तो करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन, वोल्टेज तो आपके पास 220 वोल्ट है ही, अपोजिशन आप निकाल चुके हैं 21.13, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आएगी वैल्यू हमारे पास 9.46 एम्पियर, आप इसे चेक कर लीजिए 9.46 कहाँ है गिरा, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, आपको बताया कि भाई फेज एंगल निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टेन फाइव वाला, एक होता है बेटा कोस फाइव वाला, तो टेन फाइव क्या होता है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर होता है, तो आप यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू डालो, एक्सएल हमने सबसे पहले निकाला था 31.4 माइनस एक्ससी हमें गिवन है बेटा 14, आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इसे आप कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आ गई 1.45, तो जो यहाँ से आपका फाइव आ गया वो आ गया 10 इनवर्स 1.45, और बेटा यहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 10 इनवर्स 1.45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 55 डिग्री, 55.4 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा मिनट्स में। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द ग्राफ विच वन इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो जो वोल्टेज है एल वाला वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सी के, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। अगली केस बेस स्टडी पे आते हैं, अगली केस बेस स्टडी बेटा ट्रांसफॉर्मर से बेस है, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आपके पास जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि आपका स्मॉल टाउन है जो डिमांड करता है 800 किलोवाट, किसे आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अभी सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, जो जो वेरिएबल गिवन है उसके हिसाब से द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका जो
जो वायर है ना उस रेजिस्टेंस का ऑफ द टू वायर कैरिंग इतने ओम पर किलोमीटर, 0.15 5 ओम है 1 किलोमीटर के हिसाब से ना जो उसकी वायरिंग का रेजिस्टेंस है। और आपकी जो टोटल वायरिंग है वो कितनी है आपकी, देखो टोटल 15 किलोमीटर तो लंबा है वो, और 5 किलोमीटर है आपका बेटा, 15 किलोमीटर दूर है, 15 जाना 15 आना 30 हो गया, तो 30 किलोमीटर है आपका, 30 × 0.5 इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, इससे हट गया तो 5 × 3 = 15, इसका मतलब टोटल जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 15 ओम है। ये आप टिक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो 15 किलोमीटर दूर था आपका इलेक्ट्रिक प्लांट से जो भी आपका टाउन था, ठीक है, और दो वायरिंग बिछेगी तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो गया, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, पावर क्या होती है आपके पास, पावर होता है I²R, पावर है बेटा I²R, आई की वैल्यू निकाल लो, आई क्या होता है जो इनिशियली पावर हमें गिवन है, पावर अपॉन में वोल्टेज कर देंगे जो इनपुट है हमारे पास, पावर है बेटा हमारे पास 800 × 10³, ये हमारे पास पावर गिवन है, ठीक है, 800 किलो वोल्ट था ना, तो वोल्टेज हमारे पास 4000 है, जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये वैल्यू आ गई 2000 एम्पियर, ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो ये हो गया 2000 का² × R की वैल्यू हम ऑलरेडी पता ही है हमें, 15 ओम है टोटल रेजिस्टेंस, तो बेटा ये पावर आ जाएगी हमारे पास 600 किलो वोल्ट, तो आप चेक कर लो आंसर, ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज ए नेग्लिजेबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, ना आपको बताना है कि कितनी जो टोटल पावर है वो सप्लाई होगी। देखो आपको बताया बेटा कि 600 तो आपकी जो पावर कंज्यूम हो रही है, पावर लॉस हो रहा है 600 का, तो और आपकी टोटल पावर कितनी है 800 है, तो ये कितना हो गया 1400 किलो वोल्ट, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1400 किलो वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, द वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर लाइन, आपकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, वी इज इक्वल टू आई आर से निकाल लो, आपके पास करंट तो पता ही है कितना है, रेजिस्टेंस आपका 15 है और करंट की वैल्यू आपके पास 200 है एम्पियर जो हमने निकाला था पीछे अभी, तो 15 × 30 तो बेटा ये आ गया 3000 एम्पियर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 वोल्ट, सॉरी, ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा 3000। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्लांट इज, वोल्टेज की वैल्यू बतानी है टोटल ना, तो वोल्टेज देखो 3000 तो ये आ गई प्लस 4000 पहले, तो टोटल कितनी आ गई आपकी, 7000 वोल्टेज आ गई आपकी टोटल ना, टोटल आ गया आपका बेटा 7000, ठीक है। अगले केस बेस स्टडी पे आते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर पे ही बेस है, ठीक है बेटा, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट पे बेस है, फटाफट से देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन आइडियल ट्रांसफार्मर, देखो आपको पता है बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर है इसका मतलब क्या है, पावर लॉस नहीं होता, जितनी इनपुट पावर है उतनी ही बेटा क्या होती है, आउटपुट पावर होती है, तो पहला ऑप्शन इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ट्रांसफार्मर किस काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये तो गलत बात है, डीसी को एसी में नहीं करता, ऑब्टेन डिजायर्ड डीसी पावर, ऑब्टेन डिजायर एसी वोल्टेज एंड करंट, ये सही है, चौथा आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 20, आपके पास जो है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है 20 है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड एस भी आपके पास पता है कितनी है बच्चे, 10 है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इज 220, आपके पास जो प्राइमरी की वोल्टेज है वो है बेटा 220 वोल्ट एसी है हमारे पास, ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट सेकेंडरी, अरे तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ES बाई EP लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा हमारे पास NS बाई NP, यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, आंसर आपका आएगा बेटा 110 वोल्ट एसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इन ए ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ना इट्स प्राइमरी, इट्स प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज विद देन, आपको बताना क्या है, ये आपके बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में है वो 4 गुनी है सेकेंडरी से, इसका मतलब जो एनपी है आपका वो 4 टाइम्स है सेकेंडरी से ना, इसका मतलब ट्रांसफार्मर कैसा हो गया, देखो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर आपका कैसा हो गया, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि ज्यादा क्या है प्राइमरी में है और सेकेंडरी में कम टर्न्स है, तो जो इसका एनएस बाई एनपी का रेशियो है वो कितना हो गया बेटा 1/4 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन करंट थ्रू द सेकेंडरी इज अबाउट 4 टाइम्स दैट ऑफ द करंट वोल्टेज इज प्राइमरी, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें करंट होता है बेटा IP/IS हो जाएगा हमारे पास, यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो जो IS आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ IP, कि जो प्राइमरी का करंट है उसका 4 गुना सेकेंडरी में होगा, करंट थ्रू द सेकेंडरी इज 4 टाइम्स, मतलब ये ऑप्शन ये ही सही है इसका, ठीक है बेटा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट 100 वॉट 110 वोल्ट लैंप फॉर इतने मेंस ना इफ द करंट एफिशिएंसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा पीछे वाला जो हमने किया था, पीछे ना पीछे हमने क्वेश्चन किया था। ये आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास आउटपुट पावर तो ऑलरेडी गिवन ही है, हमें जो है 100 वोल्ट के एक बल्ब को जलाना है। डिवाइड बाय इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, पावर आपकी क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो वोल्टेज हमारे पास बेटा 220 वोल्ट है और करंट की वैल्यू हमारे पास 0.5। इसे आप कैलकुलेट करें तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ रखें, 220 इंटू 0.5 इंटू 100, तो आपके पास सोल्व होकर जो आंसर आता है वो आता है 89 पॉइंट कुछ आता है नियर अबाउट। तो ये कैसे 90% इसका आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी का, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, उससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चाहे वो एसएससी रीजनिंग वाले हो चाहे वो केस बेस्ड स्टडी हो, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।